गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम ऑन आर एस फाइनल डेस्टिनेशन। आज हम उत्तर प्रदेश की सेकंड क्लास को आगे बढ़ाते हैं और मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन और वन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। बहुत पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम्स में हम ये क्वेश्चंस एटलीस्ट गलत करके ना आएँ। और इसमें हमने सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सब कवर किए हैं, और यही बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना भी है। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कामगारों में कृषि कर्मकारों का योगदान कितना है। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश के जो टोटल कामगार हैं, जो टोटल वर्किंग फोर्स है, उसमें एग्रीकल्चर में कितने लोग नियुक्त हैं, उसका उनके कितना परसेंटेज है, तो वो हमें बताना है। तो ये हमें पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर में 59.3% लोग नियुक्त हैं, योगदान है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश में औसत जोत आकार कितना है। तो औसत जोत आकार कितना है, 0.76 हेक्टेयर, ये उत्तर प्रदेश का औसत जोत आकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ये हम सभी को पता है 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी कि 9 जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश जो बांटे गए हैं उनको जो हमने क्लासिफाई किया है वो किस बेस पर किया है। तो उसको जो क्लासिफिकेशन है उसका, एक तो मिट्टी का, जो मृदा की जो भी उसकी क्वालिटी है, मिट्टी के बेसिस पर, वर्षा के बेसिस पर, तापमान, जल और मानव संसाधन, तो इन इन सारे ये सारे जो हैं आधार हैं कृषि जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के। तो याद रखिएगा, आपसे ऑप्शन में दे सकता है कि निम्न में से क्या वर्गीकरण का आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है। देखिए, टोटल खाद्यान्न उत्पादन की अगर हम बात करें तो यूपी का स्थान प्रथम है, यानी फर्स्ट पोजीशन है किसकी, उत्तर प्रदेश की, खाद्यान्न उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना तथा आलू के उत्पादन में, यानी कि इन तीनों के अलग अलग पूछ सकते हैं आपसे, गेहूं के उत्पादन में कैसा है, गन्ना के उत्पादन में कैसा है, आलू के उत्पादन में यूपी की पोजिशन क्या है, तो इन सब में क्या है, प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम का शुभारंभ, ये कार्यक्रम था कि लैबोरेटरी से आप क्या खेतों तक जो एक कार्यक्रम है उसका कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया, तो ये भी यूपी गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्ष भर में कुल कितने प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। तो हम सभी को पता है 3 प्रकार की टोटल फसलें होती हैं, जिसमें यहाँ पर रवि की फसल भी होती है, खरीफ की फसल भी होती है और जायद की फसल भी होती है। रवि की फसल के अंतर्गत ये क्वेश्चन जो है, अभी जो 16 तारीख को पेपर हुआ था यूपी UPSSC लोअर का, उसमें क्वेश्चन ये आया था। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रवि की फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आती है, ये तो नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था कि रवि की फसल की जो बुआई है वो कब की जाती है, उसका टाइम ड्यूरेशन पूछा था। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि रवि की फसल के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं और बुआई कब होती है, ये भी पता होना। तो रवि की फसल जो है वो शीत ऋतु की फसल होती हैं, यानी कि सर्दियों की फसल होती हैं, तो उनकी जो बुआई है वो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य ही होती है, यानी कि विंटर में ही होती है। और उस इसमें कौन कौन सी फसल आती हैं, तो इसमें गेहूं आता है, जौ आता है, मटर आता है, चना आता है, तंबाकू, सरसों, लाही, आलू, ये सब इम्पॉर्टेंट फसलें हैं जो रबी फसल के अंतर्गत आती हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। रबी और खरीफ और जायद, ये तीनों ही जो क्रॉप पैटर्न है वो तीनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट फसलें हैं कौन कौन सी हैं वो सभी पूछ ली जाती हैं, तो आप ये याद रखिएगा। खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन सी फसल आती है, तो खरीफ की फसल के अंतर्गत चावल है, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई और कुछ दलहन भी इसके अंतर्गत आते हैं। और खरीफ की फसल जो है वो गर्मियों की फसल है, इसलिए इसकी जो बुआई है वो मई से जुलाई के मध्य होती है, यानी कि जो समर का टाइम होता है उस दौरान होती है। नेक्स्ट है जायद की फसल, तो जायद की फसल कौन सी फसल होती है, जायद में आपका जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, काशीफल और प्याज वगैरह, ये सारे ही जो होते हैं, खीरा वीरा, ये सारी जो ऐसी सब्जियां होती हैं, ये सारी ये जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गेहूं की कृषि नहीं की जाती है, तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है यूपी का कि जिसमें गेहूं की कृषि नहीं होती है। तो देखिए, यूपी में जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, जैसे सपोज ये आपका यूपी है, तो यूपी में जो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है,
इस इधर की साइड, तो वहां पर क्या है, गेहूं की कृषि नहीं होती है। प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला तथा इसका कौन सा क्षेत्र है, हमें यह बताना है कि प्रदेश में यूपी के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्पादन कहाँ होता है, गोरखपुर में, और कौन सा जिला गोरखपुर जिला है और इसका कौन सा क्षेत्र है, तो गोरखपुर में भी कौन सा क्षेत्र आपसे पर्टिकुलरली पूछ सकता है, तो वो है आपका सर्वाधिक उत्पादकता जो होती है वो गंगा घाट दोआब जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में होती है। आपको पता भी होगा जो ऊपरी गंगा नहर है उस, वो सबसे ज़्यादा उत्पादक बेल्ट है और वहीं पर सबसे ज़्यादा बस्तियाँ भी हैं, निवास जनसंख्या भी निवास करती है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादकता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर नकदी फसल की बात करो, नकदी फसल कौन सी है, गन्ना, ठीक है, और गन्ना जो है प्रमुख क्षेत्राई क्षेत्र जो है इसका गन्ने का वो कौन सा है, गन्ना चूंकि बहुत ज़्यादा पानी वगैरह की उसमें ज़रूरत होती है, तो प्रमुख क्षेत्र तराई क्षेत्र तथा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, यहाँ पर ये क्या है इसका प्रमुख क्षेत्र, तो हमें क्षेत्र भी पता होना चाहिए कि आपसे पूछ सकता है कि गन्ने के क्षेत्र, गन्ने की फसल के लिए कौन सा क्षेत्र ज़्यादा उपयोगी है, ऑप्शन में दे सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्षेत्र भी लिखा है। नेक्स्ट है, गेहूं प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादकता, यानी हमें यहाँ बताना है कि गेहूं कि प्रति हेक्टेयर जो सबसे ज़्यादा उत्पादकता है वो कहाँ है या किस क्षेत्र में है, तो देखिए गेहूं की जो है वो बागपत में है प्रति हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर में जो उत्पादकता है वो ज़्यादा है गेहूं की, लेकिन अगर हम प्रति हेक्टेयर चावल की बात करें उत्पादकता की तो वो कहाँ पर है, मेरठ में, यानी गेहूं की है बागपत में, चावल की उत्पादकता जो है प्रति हेक्टेयर वो है मेरठ में, लेकिन चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है शाहजहांपुर में, ये याद रखिएगा। तीनों ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है कि उत्पादकता की दृष्टि से अगर देखा जाए गेहूं और चावल को प्रति हेक्टेयर, तो गेहूं में आपका बागपत है, चावल में आपका मेरठ है, और चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, वो शाहजहांपुर में होता है, ये पूछा जाता है और हम लोग उत्पादकता प्रति हेक्टेयर और उत्पादन में कन्फ्यूजन के चक्कर में रॉन्ग टिक कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, तो आम जो है यूपी के अंदर, देखिए यूपी के अंदर एक तो लखनऊ में बहुत ज़्यादा मतलब प्रमुख जिला है, लखनऊ का आम बहुत फेमस है, इसके अलावा सहारनपुर है और बुलंदशहर, ये तीन मतलब जिले ऐसे हैं जो आम के उत्पादन में इनका प्रमुख स्थान है, लखनऊ, सहारनपुर और बुलंदशहर। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ ये कवर कर रहे हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा वो चीज़ पाई जाती है, तो आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है, वो है प्रतापगढ़, जो कि अब प्रयागराज, जिसको हम प्रयागराज बोलेंगे, इलाहाबाद अब उसका नाम चेंज हो गया है इलाहाबाद से, तो प्रतापगढ़। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, तो अमरूद का है शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि अमरूद का कौन सा है, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा। हल्दी वाला भी देखिए पूछा जाता रहा है, तो हल्दी का जो उत्पादक क्षेत्र है यूपी का वो है बुंदेलखंड क्षेत्र। इसके अलावा अफीम की सर्वाधिक खेती यूपी में कहाँ होती है, तो किस जिले में होती है, तो अफीम की होती है, आपको पता होगा वो होता है बाराबंकी। अमरूद के लिए यहाँ पर देखिए, अमरूद के लिए पूछा है प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो ये कहाँ पर है, यह इलाहाबाद में, या आप इसको बोलोगे प्रयागराज, अब तो प्रयागराज ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा आम के लिए, ये तो अमरूद के लिए था, अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में है, लेकिन आम के लिए जो है वो लखनऊ में है, और लखनऊ का हम फेमस भी है, लखनऊ, सहारनपुर वगैरह का, बुलंदशहर का, इन तीनों जगह का। प्रदेश में ये आपसे पूछा जाता है कि कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं प्रदेश के अंदर, तो यूपी में पहली बात तो आप संख्या पता होनी चाहिए, तीन कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं वो भी पता होने चाहिए, वो है पहला लखनऊ, दूसरा सहारनपुर और तीसरा आगरा। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है इसी क्वेश्चन में कि ये जो तीन कृषि निर्यात क्षेत्र हैं वो किस किस चीज़ के लिए निर्यातक क्षेत्र हैं, तो लखनऊ वो आम के लिए है और सहारनपुर भी आम के लिए है, लेकिन आगरा जो है वो आलू के लिए निर्यातक क्षेत्र चुना गया है। भारत में स्थापित, आपसे पहली बात तो ये पूछ सकता है कि कितने आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्र हैं भारत में, तो भारत में टोटल, ये टोटल भारत की बात हो रही है, तो भारत में 9 आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्र हैं, उनमें से एक जो है उत्तर प्रदेश में है, 9 में से एक जो है वो यूपी के अंदर है, और वो भी कहाँ पर है, वो है लखनऊ के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में कहाँ और किस प्रकार की आम की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया जाता है कि जैसे लखनऊ का कौन सा आम या लखनऊ से कौन सा आम फेमस है, सहारनपुर का कौन सा आम है, या चौसा आम कहाँ का फेमस है, लंगड़ा आम कहाँ से है। तो लखनऊ का जो फेमस आम है वो है मलिहाबादी दशहरी, सहारनपुर का है चौसा, सफ़ेदा भी यहीं का है, चौसा भी यहीं का है, मेरठ व बागपत का है रटौल, और वाराणसी यानी लंगड़ा आम जो हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, तो लंगड़ा आम जो है वो कहाँ का होता है, वो होता है वाराणसी का, वो वहाँ का फेमस है। और मलिहाबादी दशहरी, दशहरी भी लोगों को पसंद होता है, वो लखनऊ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि प्रदेश के किस ज़िले में संतरे का उत्पादन, ये भी हम सभी को पता होगा संतरे का उत्पादन कहाँ होता है, सहारनपुर में। इसके अलावा लीची उत्पादक जिले कौन से हैं, तो लीची उत्पादक जिले जो हैं वो हैं सहारनपुर और मेरठ। ये आप याद रखिएगा कि लीची उत्पादक जिले कौन से हैं, सहारनपुर और मेरठ। उसके अलावा पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है, तो पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है पान वाला, वो है महोबा में। इसके अलावा प्रदेश में पशुपालन विभाग के, आप देखिए यहाँ से आपका थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस आ गए हैं, वो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रदेश में पशुपालन विभाग के पृथक रूप से स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी कि पशुपालन विभाग एक अलग विभाग बन गया था, एक अलग डिपार्टमेंट बन गया था, तो ये किस साल हुआ था, ये 1944 में हुआ था, यानी 1944 में पशुपालन विभाग पृथक से उसकी स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बात कि कुल पशुओं की संख्या में देश में इसका क्या स्थान है, यूपी का। अगर हम टोटल पशु लें, टोटल पशुओं में आपका गाय भी आ जाती हैं, आपका भैंस भी आ जाती हैं, तो कुल पशुओं की संख्या में क्या स्थान है। दूसरा इसमें पूछा है कुल गोवंश के पशुओं में क्या स्थान है, मतलब अगर हम गायों की बात करें तब इसका कौन सा स्थान है। अगर हम केवल महिषी वंश होते हैं, जैसे अब अगर केवल हम भैंसों की बात करें तो इसका कौन सा स्थान है, और बकरी और जो शूकर होते हैं उनमें इसका संयुक्त रूप से कौन सा स्थान है। तो ये सारे इनका ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कुल पशुधन में पशुओं की संख्या में कितना है, और गोवंश में कितना है, महिषी वंश में कितना है, बकरी और उसमें। तो कुल पशुओं की संख्या में तो प्रथम स्थान पर है, ओवरऑल हमारे यहाँ यूपी में सबसे फर्स्ट पोजिशन पर आता है, और कुल गोवंश के पशुओं में मतलब कि गायों की अगर संख्या की बात करें तो ये दूसरे नंबर पर है, महिषी वंश में प्रथम नंबर पर है, यानी कि भैंसों की संख्या में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, और बकरी तथा शूकरों की संख्या में द्वितीय स्थान पर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यूपी पीसीएस के आप पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें बार बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग तथा राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो एक तो था विभाग और दूसरी थी परिषद, तो ये दोनों ही 1976 में की गई थी, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1977 में केंद्र सरकार द्वारा, देखिए 76 में क्या हुआ कि इन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया, जो मिल्क का डिपार्टमेंट, और उसकी अलग से काउंसिल भी बना दी, और एक साल बाद ही इन्होंने ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट स्टार्ट कर दिया था, यानी ऑपरेशन फ्लड वन। इसमें आपका यही टारगेट किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध का उत्पादन करना किसी तरह से, तो ये ऑपरेशन फ्लड वन स्टार्ट किया गया था। तो 1977 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड, यूपी गवर्नमेंट ने, सॉरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने करा था ऑपरेशन फ्लड, उसके तहत ही राज्य के कितने जिलों में, यहाँ पूछ रहा है कितने जिलों में ऑपरेशन फ्लड वन शुरू किया था, तो जो स्टार्ट किया गया था वो 3 जिलों में स्टार्ट किया गया था यूपी के अंदर। कौन कौन से जिले थे, एक वाराणसी था, एक मेरठ था, और एक बलिया था, यानी कि वाराणसी, मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड वन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश एवं देश में प्रथम, ये क्वेश्चन भी बार बार आया है, प्रदेश एवं देश में प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना, देखिए यहाँ पर ये यूनियन की बात कर रहा है, जो नियमित रेगुलर यूनियन है, तो उसकी स्थापना कहाँ और कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी 1938 में, और कब कहाँ हुई थी, वो हुई थी लखनऊ में। तो आपने ये देखा कि अभी जो हमने देखा
कि दुग्ध विकास, तो दुग्ध विकास विभाग और परिषद की स्थापना जो हुई है वो 1976 में हुई है, यानी कि जो यूनियन है वो उससे पहले ही स्थापित हो चुकी थी। यूनियन कब स्थापित हो गई थी? अभी हमने देखा यूनियन हमारी हो गई थी 1938 में, यानी वो तो 1976 में हुआ था डिपार्टमेंट और वो, और यूनियन जो है हमारी शुरू हो गई थी 1938 में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूनियन पहले हो गई थी 1938 में। देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में और अंडा उत्पादन में कौन सा स्थान है पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है और अंडे के उत्पादन में 8वां स्थान है, यानी कि अंडे के उत्पादन में हम लोग 8th पोजीशन पर हैं यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान मित्र योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई। ये भी क्वेश्चन पीसीएस में आया है बार बार, किसान मित्र योजना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब स्टार्ट हुई थी। डेट सहित आप याद रखिएगा 18 जून 2001, यानी 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये भी बार बार आ रखा है, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना ये 2 अक्टूबर 2003 को हुई है यूपी में स्टार्ट। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, वे भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उत्तर प्रदेश में 1999-2000 में हुई है शुरू, राइट। तो किसान मित्र योजना 2001 में, किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 में, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999-2000 में। इसके अलावा है सरकार द्वारा कृषि पार्कों की स्थापना कहाँ की गई है। देखिए कृषि पार्क बनाए गए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं कृषि पार्क, एग्रीकल्चर पार्क की स्थापना की है, तो वो कहाँ कहाँ पर हुई है? हापुड़ में। मतलब आपको थोड़ा जो भी जिले हैं वो पता होने चाहिए, जिससे कि अगर ऑप्शन में अगर आता है आपका कुछ अलग सा डिफरेंट नेम आता है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो, ऑड वन आउट निकाल सकते हो। तो हापुड़ में है एग्रीकल्चर पार्क, लखनऊ में है, वाराणसी में है और सहारनपुर में है। ये आप एक दो बार अगर आप इनको पढ़ेंगे ना, इतना टफ नहीं है, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे यार बहुत सारा है और कैसे याद रखें, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है याद करने के अलावा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं और हम इनको केवल थोड़े से एफर्ट की वजह से छोड़कर आ जाते हैं क्योंकि हम याद नहीं करना चाहते, ठीक है। तो हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर। चकबंदी कार्यक्रम योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ की गई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हुई है 1954 में। किसान बही योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसान बही योजना भी बार बार पीसीएस के पेपर में पूछी गई है, यूपी में कब स्टार्ट हुई है, 1992 में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, देखिए भारत में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कब और कहाँ की गई, तो पहला जो था वो पंतनगर यूनिवर्सिटी था भारत के अंदर, तो पहले ये और ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1960 में हुई थी, तो पंतनगर यूनिवर्सिटी भारत की प्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये मैंने एग्रीकल्चर के पोर्शन में सारा कवर करवा रखा है, वहाँ आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दूँगी, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं उन वीडियोस को, उसमें मैंने और ज़्यादा अच्छे से थ्रू डायग्राम समझा रखा है, तो आप उसे नीचे जाके या प्लेलिस्ट में आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली मृदा को कौन से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो यूपी में जो पाए जाने वाली मृदा है वो दो ही है, एक तो बांगर होती है, खादर होती है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन निकल जाता है, उसमें ये पूछा जाता है कि पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं, तो पुरानी जलोढ़ आपको पता होनी चाहिए वो बांगर होती है, और जो नवीन जलोढ़ है वो खादर होती है। इनमें कन्फ्यूज़न होता है, इसको यहीं ख़त्म कर लो कन्फ्यूज़न को, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है, इसमें हर बार हम लोग कन्फ्यूज़न करते हैं, तो इसको यहीं याद कर लो कि जो बांगर होती है वो पुरानी जलोढ़ होती है, खादर नवीन जलोढ़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगर मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है तथा इसमें किसकी अधिकता होती है और किस चीज़ की न्यूनता होती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम एग्जाम में गलत कर आते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि हम लोग इफेक्टिवली स्टडी उसको नहीं करते हैं। बांगर मिट्टी जो होती है इसका दूसरा नाम है दोमट मटियार मिट्टी या बुलाई मिट्टी या दोमट भूमि या पुरातन मिट्टी, क्योंकि पुरानी होती है और पुरानी जलोढ़ है तो दोमट भूमि, ये सारी इसको इसके नाम है। दूसरा चीज़ इसमें किस चीज़ की अधिकता होती है, चूँकि बांगर मिट्टी जो है वो पुरानी जलोढ़ है, तो आप इसमें देखिए मेन जो चीज़ मिट्टी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो होता है NPK, यानी कि NPK की ज़रूर मतलब आवश्यक रूप से मात्रा मिट्टी के अंदर होनी चाहिए,
चाहिए। कौन क्या है एनपीके? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, यानी कि इन तीनों की ये तीनों ही प्रेजेंट रहने चाहिए मिट्टी के अंदर। अगर इनकी कमी है तो मिट्टी जो है वो आपकी उपजाऊ नहीं होगी बहुत ज़्यादा। तो अब इसमें क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है कि बांगर मिट्टी में किस चीज़ की क्या होती है अधिकता और न्यूनता होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एन पी के में से क्या होता है, जो बांगर मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और चूने की पर्याप्त मात्रा होती है। नाइट्रोजन, पोटाश और जीवांश, ये इन सब की न्यूनता होती है, क्योंकि बांगर मिट्टी जो होती है वो अधिक उपजाऊ नहीं होती। जो जो खादर मिट्टी होती है, वो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, मैं यहीं पर बता रही हूँ आपको कि जो बांगर मिट्टी है इनमें से, बांगर और खादर में से ज़्यादा उपजाऊ कौन सी है, वो खादर मिट्टी है। क्यों? खादर मिट्टी में अच्छे जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं। तो अब जो बांगर मिट्टी है उसमें क्या है, एन पी के में से अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन नहीं होता, और जो पोटाश है, यानी कि पोटाश आप के बोल सकते हो, तो ये दोनों क्या एब्सेंस रहता है या न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस के साथ क्या होता है, चूना पत्थर होता है। तो इन ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है, क्योंकि जो नदियों का जो बाढ़ का पानी होता है, बाढ़ से जो मिट्टी बहकर आई होती है, वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगर की अपेक्षा इसकी उर्वरक शक्ति कितनी होती है? तो बांगर की अपेक्षा खादर की कैसी होती है? अधिक उर्वरा शक्ति होती है, ये मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादर में किसकी अधिकता और किसकी न्यूनता होती है? देखिए, पूछा जाता है इसलिए यहां पर ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। और तो खादर क्या है? खादर है आपकी क्या, पुरानी जलोड़ है या नवीन जलोड़ है? खादर जो है वो नवीन जलोड़ है, और नवीन जलोड़ जो है, यानी खादर मिट्टी जो है, वो अधिक उपजाऊ होती है भांगर की अपेक्षा। दूसरी बात, एनपीके की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और जो पोटाश की कमी थी किसमें, भांगर में, और इसमें क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, यानी कि एन, अगर आप बात करो एनपीके की, तो एनपीके में से जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है इनकी न्यूनता होती है, और जो पोटाश है, पोटाश के साथ आपका चूना पत्थर पाया जाता है, आपका मैग्नीशियम पाया जाता है, इनकी अधिकता होती है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं करना है, ऐसे करके याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी यूपी के किन जिलों में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी आपको पता होना चाहिए किधर पाई जाती है, जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले हैं। सोनभद्र आपको पता होगा, जैसे यूपी का अगर सपोज मैप है तो सोनभद्र वगैरह, जैसे सोनभद्र, ललितपुर, ये सब इधर नीचे की साइड है, यानी कि साउथ साइड में है, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में। तो ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन के दो प्रमुख प्रकारों में, भाई मृदा अपरदन के दो प्रमुख प्रकार तो एक ये है जलीय अपरदन है, कि जो जल से बहकर वर्षा हुई और जल के साथ परत अपरदन हो गया, तो जलीय अपरदन होता है, और एक वायु अपरदन होता है। तो उसमें उत्तर प्रदेश में किसका अधिक प्रभाव है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम पूरे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जलीय अपरदन होता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि बाढ़ वगैरह, क्योंकि जो बिहार बिल्कुल सटा हुआ है, लगा हुआ है, तो बाढ़ वगैरह का, और गंगा नदी बहती ही है यूपी में, तो जल के थ्रू क्या होता है, अपरदन ज़्यादा होता है। तो जलीय अपरदन की ज़्यादा इस पर प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक तो होता है वायु अपरदन, एक होता है जलीय अपरदन, तो प्रदेश के किन क्षेत्रों में अधिक होता है? तो आप अगर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से आप इसको लगा सकते हैं कि अगर आपका ये यूपी है, यूपी में ये जो है आपका ईस्ट साइड है और ये आपका वेस्ट साइड है, हम वेस्टर्न पोर्शन में हैं इस टाइम, वेस्टर्न पोर्शन में रह रहे हैं, और ये इधर की साइड आपका जो भी जितने भी आपका बिहार से सटे हुए ज़िले हैं, जैसे मिर्ज़ापुर वगैरह हैं, ये सब इधर की साइड आते हैं, सोनभद्र वगैरह। तो वायु अपरदन, जलीय अपरदन किस किस प्रदेश में होता है? आप बता सकते हो कि वायु अपरदन जो है पश्चिमी क्षेत्रों में होता है, और जलीय अपरदन, क्योंकि इधर की साइड बाढ़ वगैरह का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, तो जलीय अपरदन पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में होता है। तो यहाँ पर जलीय अपरदन होता है वाटर, और यहाँ पर जो होता है वो वायु अपरदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है? तो कौन अधिकरण क्षेत्र है जहां पर अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है? वो है उत्तर प्रदेश का इटावा जिला, यानी इटावा जिला में, इटावा एक ऐसा जिला है जहां पर अवनालिका अपरदन से वो ग्रस्त है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अवनालिका अपरदन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अपर्धन को किसान की मौत भी कहा जाता है। देखिए किसान की मौत जो कहा जाता है, जैसे एक तो होता है जलीय अपर्धन, एक होता है वायु अपर्धन और एक होता है परत अपर्धन। परत अपर्धन में क्या होता है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है वो पूरी की पूरी हट जाती है, और अगर वो पूरी की पूरी हट गई परत के रूप में तो वो मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ होगी नहीं, उसमें आप कुछ उगा ही नहीं सकते, तो वो किसान के लिए तो एक तरह से श्राप है, तो किसान की मौत इसलिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु अपर्धन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि वायु अपर्धन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, इधर यानी कि वेस्ट साइड में, तो प्रभाव और वेस्ट साइड में क्या है, मथुरा है, आगरा है, तो मथुरा एवं आगरा क्या है, सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये कह रहा है उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति और द्वितीय वन नीति किस वर्ष आई थी। ये दोनों ही पूछा जाता है एग्जाम में, पीसीएस में आया है कि प्रथम वन नीति, सभी क्वेश्चंस आए हैं किसी ना किसी पेपर में। प्रथम वन नीति जो थी वो 1952 में और द्वितीय वन नीति 1988 में, 1988 में आई थी। तो ये याद रखना यूपी की वन नीतियाँ, यानी कि प्रथम वन नीति और द्वितीय वन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1988 वन नीति के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर वन होने आवश्यक हैं। तो देखिए वन जो है ये हम सभी को पता है कि ये ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए भी है कि 33.3% या फिर आप अप्रॉक्सीमेटली 33% भाग पर, भूभाग पर आपके वन क्षेत्रों का होना आवश्यक है। अगर आपको क्लाइमेट चेंज से बचना है तो ये इंपॉर्टेंट है, मानव के लिए भी, इस पूरे संपूर्ण संसार के लिए, सृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वन सामान्यतः किस प्रकार के हैं। तो आप सभी को पता है हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, हमारा जो पूरा भारत है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही आता है, उष्णकटिबंधीय प्रकार, तो इसलिए जो यूपी में जो सामान्यतः जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में कितने भाग पर वन आवरण तथा कितने भाग पर वृक्षावरण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जल्द में ही अभी इंडियन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज होती है, वो भी आने वाली है, उस रिपोर्ट को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश में वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कितना वन आवरण है और कितने भाग पर वृक्षावरण है, तो वन आवरण जो है वो है 6.09% भाग पर, और वनों में चूंकि सारी चीज़ें आ जाती हैं, वृक्ष भी आ जाते हैं और जितने भी आपके जो अदर चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं, लेकिन वृक्ष आवरण में केवल वृक्ष आते हैं, यानी ट्री कैनोपी आती है, तो इसमें ये वृक्ष आवरण जो है वो कम होगा, वो है 3.09%, तो 6.09% और 3.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र तथा न्यूनतम वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो है सोनभद्र में, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। नेक्स्ट है न्यूनतम वन क्षेत्र जो है वो है संत रविदास नगर में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा है सोनभद्र में, जो कि सोनभद्र हमारा दक्षिण छोर पर पड़ता है, और न्यूनतम संत रविदास नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर उत्तर प्रदेश में, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक तो सामाजिक वानिकी योजना थी, ये सभी चीज़ें हम जब सारी सबकी मेंस क्लास चलाएंगे वहाँ पर हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगर अभी आपको ये टर्म समझ में नहीं आ रही हैं। सामाजिक वानिकी होता है और एक वानिकी परियोजना, तो बेसिकली जो सामाजिक वानिकी होता है जिसको हम सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं, वो राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर यूपी में कब शुरू की गई थी, यूपी में सोशल फॉरेस्ट्री स्टार्ट करी गई थी 1979-80 में, ये यूपी में सोशल फॉरेस्ट्री स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, यानी कि वो तो राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर स्टार्ट करी गई थी 1979-80 में, लेकिन यहाँ वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यूपी गवर्नमेंट ने वानिकी परियोजना स्टार्ट करी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्ड्स पे ध्यान देना है कि आपके वो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से वानिकी परियोजना की बात कर रहा है या फिर वो सोशल फॉरेस्ट्री की बात कर रहा है राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल पर। तो विश्व बैंक की सहायता से जो उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना है वो कब शुरू की गई थी, 19 मार्च 1998, यानी कि ये हाल ही में आप कह सकते हो उससे बाद में शुरू कर, मतलब अभी जल्दी शुरू की गई है, 1998 में शुरू की गई है।
सोशल फॉरेस्ट्री पहले ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन कब से प्रारंभ हुआ? देखिए यहाँ पर बोल रहा है संयुक्त वन प्रबंधन, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर लिया गया है संयुक्त वन प्रबंधन कब से प्रारंभ हुआ है, 1992 से, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वनों को राज्य संपत्ति कब घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में वनों को राज्य की संपत्ति, के वन जो है वो राज्य की संपत्ति होंगे, वो 1935 में ही घोषित कर दिया गया था, यानी कि स्वतंत्रता से पहले ही ये घोषित कर दिया था कि वन राज्य की संपत्ति हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट, कि यूपी में जो वन महोत्सव होता है कब आरंभ हुआ था, तो वो जुलाई 1952 में, यानी आप सोचिए कि इतने पहले से आप वन महोत्सव बनाते चले। वनों के बारे में अगर आप देखो, जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जागरूकता बहुत पहले से थी, स्वतंत्रता से पहले से ही कानून वगैरह, वन महोत्सव और ये आपका वनों को राज्य की संपत्ति डिक्लेयर कर देना। इसके अलावा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है UPSSC में भी बहुत बार, कि पारिस्थितिकी आतंकवादी कौन सा वृक्ष कहा जाता है, यूकेलिप्टस, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन का संचालन कब से किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन कब से चला रही है, ऑपरेशन ग्रीन चला रही है वो 2007-08 से। तो ये सारे ही क्वेश्चन, जैसे ऑपरेशन फ्लड वन है जो कि मिल्क से रिलेटेड है, ऑपरेशन ग्रीन है पर्यावरण से रिलेटेड है, तो ये सारे ही क्वेश्चन हमें याद रखने हैं, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन ग्रीन 2007-08। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने वन और कृषि, वन प्रबंधन वगैरह से हमने कवर किए हैं, और उम्मीद है ये आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप एक दो बार इसको वीडियो को देखेंगे, ध्यान से इसको पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें आपको ईजिली क्लियर हो जाएंगी, इतना टफ नहीं है। क्योंकि ज़रूरी इसलिए है सारी चीज़ें जानना, क्योंकि एग्ज़ाम में आती हैं, और हम लोग केवल थोड़े से आलस की वजह से कि यार कितना पढ़ें, क्या क्या पढ़ते रहेंगे, हम ये सारी चीज़ें छोड़ के, और ये सही सही है एज इट इज़ क्वेश्चंस रखे आते हैं एग्ज़ाम में, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए। तीसरी और इसकी लास्ट वीडियो आने वाली है जल्दी, और इसके साथ ही बेहद दुखद एक आज खबर मिली है कि जो हमारी सुषमा स्वराज, जो हमारी प्रिय मंत्री जी थी और विदेश मंत्री भी रही थी, तो उनका निधन हो गया है, और उनका जो निधन है वो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, और ऐसे नेताओं की ज़रूरत होती है हमारे देश को, जो अच्छे काम करके जाते हैं। बहुत ही ओजस्वी नेता थी, और हमें महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल उनके थ्रू मिलता है। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए आप सभी का, और अपने आसपास का, पर्यावरण को स्वच्छ रखिए, और सबको प्यार दीजिए।